वेलकम माय चैनल ऑल इन वन। दोस्तों ये आप देख रहे हैं इलायची के प्लांट है। हम हिल स्टेशन गए, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स है कि देखते ही इतनी खुशी होती है कि किस तरीके से इलायची उगाई जाती है। इनके पहले फ्लावर आते हैं पर्पल और वाइट कलर के, उसके बाद ये इलायची आती है। इलायची बिल्कुल ऐसे ककड़ौदा जैसी फील होती है दोस्तों। और इसकी लीफ आप देख सकते हैं, पहचान कर लीजिए कि इलायची के प्लांट है। इलायची के प्लांट में पूरे ग्रीन कलर की ही ये इलायची आती हैं, जो देखते ही बनता है, इतनी प्यारी लगती हैं, पूरा छत्ता की छत्ता आता है। ये इलायची नीचे की तरफ से स्टार्ट होती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं, और प्लांट जैसे उगता है इसी तरीके से ये इलायची भी उगती हैं। ये पूरा नीचे झुंड का झुंड आ जाता है, आप देख सकते हैं। इलायची मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो में आपको दिखाई है, और कुछ इलायची हम अपने घर पर भी लेके आए। उस समय तो कुछ सुगंधी नहीं आ रही थी दोस्तों, परंतु काफी दिन रखी रही अखबार के ऊपर हवा में ही, तो ये बिल्कुल जैसे इलायची होती है उसी कलर की हो गई। और ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये पत्ता जैसा, ये देखिए इलायची सूखने के बाद इस तरह की हो गई थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। अच्छी बड़ी इलायची हो जाती होगी जब ये केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में इनको तोड़ा जाता होगा दोस्तों। ये तीनों जगह अच्छी बहुत आयत मात्रा में संसार के सबसे बड़े सिटी के रूप में माने जाते हैं इलायची उगाने के। और वहां से ये इलायची निकाले जो थे, उन्हीं में से ये दाने हमने निकाले, बहुत महीन महीन छोटे दाने थे। पर दोस्तों इसमें से ना तो तेल निकला था और ना ही कोई प्रोसेस किया हुआ था, हम ये चाहते थे इसलिए इनको उगाया जाए। तो हमने उनके दाने अलग अलग कर लिए और इनको पानी में भिगो दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी डालने से कहते हैं कि फफूंदी नहीं आती है और फंगस किसी तरह की नहीं आएगी, और हमारे जो प्लांट है जरूर उग के आएगा, ये मेरी जानकारी में है, इसीलिए मैं इसी तरीके से रखा दोस्तों। इलायची के सीड्स उगाने के लिए न्यू सीड्स होने चाहिए। हमने बिल्कुल नई इलायची तोड़ी थी और नई ही सीड्स इसके यूज करेंगे दोस्तों, और इसके कड़क कवर होता है इसीलिए इसको भिगोते हैं। ये अति खुशबूदार स्पाइस होती है दोस्तों, जो मिठाई में भी यूज होती है, औषधि के रूप में भी यूज होती है और स्पाइसेस के रूप में भी यूज होती है। इसका बहुत आयत यूज है और इसे हम बहुत सी चीजों में फायदा प्राप्त करते हैं। मीठी बिस्किट हो, खीर हो, रबड़ी हो और गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, मालपुआ हो दोस्तों, इसके बिना किसी में स्वाद नहीं आएगा, इससे स्वाद डबल हो जाता है। और जैसे कभी हमें उल्टी आ रही है तो आप इलायची खा लें तो चक्कर आना और जी घबड़ाना बंद हो जाता है। और दोस्तों बिरयानी में भी इसका यूज